बांकी मोगरा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोगरा में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ बांकी मोगरा इकाई द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वहीं इस दौरान संभागीय उपाध्यक्ष श्रीधर नायडू, सचिव अमरीक सिंह एवं कुसमुंडा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष ओम गभेल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। विद्यालय के प्राचार्य एस जिडोरे ने बताया कि हमारे विद्यालय प्रांगण में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जो बहुत ही बड़े उत्साह के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम सफल रहा। साथ ही प्राचार्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ बांकी मोगरा द्वारा पिछले वर्ष भी हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था। तो लगातार जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम हैं वो हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी ये नजर आया है, जहां इसको लेकर एक उत्साह भी नजर आया। अगली खबर बेमित्रा से है, जहां नवागढ़ तहसीलदार वासनिक साहब सुप्रीमो वन आदेश निकाल की टावर लगाने की कार्य पूर्ण किया जाए ये कहा है, जिसके लिए बाकायदा पुलिस को भी पत्र लिखा गया है। ठेकेदार के काम में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए, जहां पुलिस बखूबी अपनी भूमिका निभाने में आगे आ गई और किसानों को बर्बरतापूर्वक खींचकर मारपीट गाली गलौज करते हुए अपनी गाड़ी में डाल के थाने ले गए। जबरदस्ती धक्का मुक्की व मारपीट के चलते किसान राजकुमारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसको देख आनंद फानन ने पुलिस थाना नवागढ़ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेमित्रा जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से किसी मरीज को रेफर किया गया है। संजय गहरे के खेत में टावर कुछ लगाया जा रहा है, उस पर से विवाद हुआ है, घटनास्थल भी गया था और संजय गहरे से भी आके मिला है। बता रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी उसको टावर निरीक्षण के दौरान वहाँ से हटाए हैं, तो कुछ माता जी को भी और उनको भी चोट आया है, तो इस संबंध में जांच कर रहा है। खबर कबीरधाम से है, जहां जिले के मुख्यालय वार्ड नंबर 3 कैलाश नगर व अन्य वार्डों की समस्या को लेकर नगर पालिका परिषद के वर्धा के नेता प्रतिपक्ष उमंग पांडे के नेतृत्व में विद्युत कार्यालय का घेराव किया गया। आपको बता दें, विगत दिनों से बिना कोई कारण विद्युत विभाग की लापरवाही और कांग्रेस सरकार के नाकामियों के चलते नगरवासियों को विद्युत कटौती की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बिल ज्यादा आते भैया, बहुत ज्यादा। कितना आया है बिल? 8,500 ₹50 पहले महीना की। पिछले महीने पटाया था बिल? हाँ, पिछले पट गई। बिल पटाए के बाद भी 8,000 आए? 10,000 आए। 10,000 पिछले महीने कब आ रही थी बिल? पिछले 8,500। अब अभी कब? अभी के 10,500 आए। अब पिछले महीना पटा डर रहे? हाँ, पिछले महीना पट गए। 10,000 आए? 10,000 मजदूरी करता। दुर्ग में पुलगांव के पुराने पुल से उफनाती शिवनाथ नदी में गिरी कार तीसरे दिन नदी के अंदर मिली। रेस्क्यू टीम महाजाल डालकर कार तक पहुंची थी, उससे क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। वहीं अब तक एक शव को कार के अंदर से बरामद किया गया, जो कि रायपुर का रहने वाला है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात में मछुआरों से हमें सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है छोटे पुलिया से शिवनाथ के आगे बह गई है, 70 मीटर दूर जाकर टूट गई है। मंडे मॉर्निंग से ही पहले FDRF और फिर NDRF और जिला बल लगातार 100 से ज़्यादा कर्मचारी, 20 से ज़्यादा बोट पूरे एरिया से सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन 100 फीट से ज़्यादा पानी होने के कारण, लगातार बारिश के कारण, करेंट होने के कारण, मैला पानी होने के कारण ढूंढने में मुश्किलें आ रही थी। कल मेरे द्वारा पूरे एरिया का निरीक्षण किया गया और हमने लोकल मछुआरों से बात करके उस स्पॉट को हमने डेलिमिनेट किया जहाँ से गाड़ी अंतिम बार डूबते हुए देखी गई थी। छत्तीसगढ़ में छात्र पिछले 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि उनकी मांग को लेकर प्रबंधन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि छात्र भी हार मानने को तैयार नहीं है और मौके पर अपना खाना बनाकर प्रबंधन से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वहीं छात्रों का आरोप है कि पिछले 11 साल से लेंको प्लांट से प्रभावित गाँव के स्कूली छात्रों को बस की सुविधा प्रदान करता आ रहा है, लेकिन इस साल पता नहीं क्यों उनकी सुविधा में कटौती की गई है। खबर कांकेर से है, जहां कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने अंदरूनी क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें
सर्वप्रथम हरणगढ़ स्वामी आत्मनंद अंग्रेजी स्कूल का निरीक्षण किया गया। प्रत्येक बच्चों का हालचाल जाना, बच्चों को चॉकलेट भी दी। आपको बता दें, प्रियंका शुक्ला पहले एक MBBS डॉक्टर रही हैं, उसके बाद कलेक्टर बनी और राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। कलेक्टर ने पंखाजुर अस्पताल का विशेष दौरा भी किया और मरीजों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू भी हुई। मैंने बहुत कुछ देखा, अभी तो आंगनवाड़ी भी देखी, अभी हॉस्पिटल आई हूँ, अभी बाकी भी बहुत लंबा प्लान है। अभी इसको देखेंगे। ब्लड बैंक की ना बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी होती है। ब्लड बैंक में हम लोगों को सर्टिफिकेशन लेना होता है नेशनल लेवल अथॉरिटीज से, तो जब तक वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी ब्लड बैंक एस्टैब्लिश नहीं होगा। पर निश्चित तौर पे, मेरे को कम्प्लीट करने दो, निश्चित तौर पे कोशिश हम करेंगे कि यहाँ की सुविधाओं को बेस्ट बना सके। अभी मेरी और SP साहब की चर्चा भी हो रही थी कि ये क्योंकि बहुत दूर पड़ता है, इस सिविल हॉस्पिटल में हम जितनी भी अच्छी सुविधाएं दे सकेंगे देंगे। खबर जगदलपुर से है, जहां देश की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की खुशी में जगदलपुर के गोल बाजार चौक में भारतीय जनता पार्टी और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी व सदस्यों द्वारा शहर के मुख्य चौक चौराहों पर ढोल बाजा और नगाड़े बजाकर रैली में फटके फोड़ और मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। वहीं बस्तर के महाराजा कमलचंद्र भंजदेव ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने को बधाई देते हुए कहा कि आदिवासी समाज के लिए बहुत ही सम्मान व गर्व की बात है कि मोदी सरकार के द्वारा पहली बार आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। ये बहुत ही गर्व गौरव का विषय है कि जिस तरीके से हमारे देश में एक जनजाति समाज से और ऊपर से नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण हमारी मातृशक्ति आज इस देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति पद पर विराजमान हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक बहुत बड़ा बड़ी संख्या इस देश में समाज की है जिसको प्रतिनिधित्व तो कई वर्षों से नहीं मिल रहा। आज एक सर्वोच्च पद में हमारी जनजाति समाज की एक महिला जो कि हमें गौरवान्वित करेगी और साथ साथ बस्तर के लिए बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि महाराजा प्रवीर चंद बंदे सभी ने बस्तर हितों के लिए, आदिवासी समाज के लिए लड़ाई के लिए, और धन्यवाद देना चाहेंगे JP नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने ऐसा निर्णय लेकर के आज NDA में आज पहली बार आपको ऐसा देखने मिलेगा कि बहुत सारे विपक्षी दल भी हमारा समर्थन दिए, क्योंकि उनका जो निर्णय था JP नड्डा जी का, जिसका समर्थन भारत के सभी लोगों ने दिया, और इनकी जो विजय होगी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। और